बिट्टू बिट्टू अरे ओ बिट्टू रानी, लगता है नींद का गोली असर कर गई। सोलो आज चैन का नींद सोलो, आज का बाद शायद ही तुमको ऐसा मौका मिले, क्योंकि एक बार कागज पे तुम्हारा अंगूठा का निशान लग जाए ना, फिर तुमको हम रहने थोड़ी ना देंगे इस हवेली में। आए थे आप यहां का कर, झूठ बोल रही है। अगर ऐसा होता तो आप इस तरह छिपते हुए नहीं जाती। शर्म लिहाज भी कोई चीज होती है देवर जी, अभी तक तो गांव वाले कह रहे थे लेकिन हम सच नहीं माने थे, लेकिन लगता है कि वो सच ही कह रहे थे। पर ना आप यहां इतनी रात गए का करेंगे? हम यहां विट्टो को दवाई देने आए थे। तो हम कहां कह रहे हैं कि आप कुछ गलत करने आए थे? हम जानते आपको बहुत चिंता रहता है उसका, इसीलिए आए थे ना। लेकिन एक आदमी एक औरत का इतना चिंता तभी करता है जब वो उसको अपना मानता है। अब कुछ 19-20 तो होगा ना उनका बीच में। आपका ये जो 19-20 है ना, ये रिश्ते में नहीं होता, आप जैसे लोगों के दिमाग में होता है। इस बारे में हम आपसे बहस नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना जरूर जान चुके हैं कि आप यहां पर किसी दूसरे मकसद से आई थी। आप हम पर शक कर रहे? अरे हमको आप पर शक होना चाहिए था। अरे इतनी रात गए, कोई आपको यहां देखेगा तो उसको भी शक होगा ही ना। उल्टा चोर सीना चोर ना बनिए, वैसे भी गांव भर में इज्जत का बंटा थोर करती है और घर में भी यही कर।
लिए लेकर आए। कुलदेवता का पूजा के दिन यही साड़ी पहना था। अरे सुगंधा, अरे तुम यहाँ कपड़ा को झाड़ फूक रही हो और हमारा टेंशन में बीपी बढ़ता जा रहा है। अरे काहे सवेरे सवेरे चिल्ला रहे, अगर बीपी बढ़ गया है ना तो रामदेव बाबा के पास चले जाइए ना। तुम ही से बात करने आए और ये सब जो हो रहा है ना वो तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। बहुत 30 मार्का बनी थी ना, कल रात का प्लान जो चौपट हो रहा था वो भी तुम्हारी वजह से। ये तो अच्छा हो गया कि जय को सिर्फ शक हुआ है, सच्चाई पता चल जाता ना तो आज हम जेल में पत्थर तोड़ रहे होते। अरे हम पर चिल्लाने का जरूरत नहीं है, अगर बात हमारी वजह से बिगड़ा था ना तो हमारी वजह से भी सुधरेगा। अरे एक मौका गया तो क्या हुआ, दूसरा मौका आ जाएगा ना। आप भी ना छोटे छोटे बात पर ना अपना माथा मत खपाए। अरे सर खपाए नहीं तो क्या करें, एक एक मिनट भारी पड़ रहा है हम पर। अब जो भी करना है जल्दी करो, राय को जय को शक हो गया हम पर, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। बस बिट्टो का अंगूठे का निशान ले लो तुम, अब चाहे घी सीधी उंगली से निकालो चाहे टेढ़ी, बात तो बराबर है। इलो पेपर। अरे घी तो हम निकाल ही लेंगे, अब इतना काम तो हमको आता ही है। ठीक है, जय को हम संभाल लेंगे, इसे बाहर भेजने का इंतजाम करते हैं जाकर। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। तुमने दवाई लिया नहीं? नहीं। दवा से क्या दुश्मनी है तुम्हारी, दवा क्यों नहीं? अरे तुम यहां क्या कर रही हो? चलो जाओ अंदर, सुगंधा को चाय दे दो। बाबूजी के ना रहने से सारे काम का बोझ हम पर अकेले पर आ गया और अकेले इतना काम संभालना बहुत मुश्किल हो गया हमारे लिए। अरे जय तुम घर पर ही हो ना और तुम्हारे पास कोई काम भी नहीं है, पटवारी के साथ कोर्ट तुम ही चले जाओ। कहा है कि हमको आज बहुत काम है, हम नहीं जा पाएंगे। पटवारी आ रहा होगा, तुम जाकर तैयार हो जाओ। और ये सब जरूरी काम के लिए कोई अपना जाना चाहिए। भैया आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमें ये कोर्ट कचहरी के चक्कर बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी आप हमें उसमें घसीट रहे हो। ठीक है, अब जिस घर में जन्म लिया है उसके अच्छाई और बुराई दोनों ही भोगना होगा। जय तुम जा रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ जा रहा हूं। चाय? हाँ हाँ वहां रख दो। अरे ठहरो, बहुत जल्दी है क्या तुमको जाने का? हम जाने के लिए ना ही कहे तो तुमसे कोनो काम था? हाँ हाँ एक जरूरी कागज पर तुम्हारा अंगूठा लगवाना था। अंगूठा लगवाना है किस लिए? अरे हमसे सवाल करोगी? ये मत भूलो कि इस घर में तुम नौकरानी हो, मालकिन नहीं हो। और अंगूठा लगाने से तुम्हारा कुछ चला नहीं जाएगा, जितना कहा गया है ना उतना ही करो, समझी? अरे ऐसे क्या खोज रही हो? वो जो पेपर आप दिए थे ना बिट्टू का अंगूठा लगाने के लिए, वो तो हम यहाँ टेबल पे ही रखे थे, ये कहाँ चला गया? कोई भी चीज अगर तुमको दे दो तो संभाल कर तो रख नहीं सकती, अब उसको ढूंढो जल्दी। भाभी आप परेशान मत होइए,
जब मिल जाएगा तब अंगूठा लगा देंगे। अरे तुमको बीच में बोलने के लिए कौन बोला है? अरे इसको छोड़ो, अपना देखो और ढूंढो पेपर को जल्दी। इस गांव में क्या कर रहा हूं मैं? कुछ नहीं, और अब काम भी मिला है तो कोर्ट कचहरी का, यही सब रह गया मेरी जिंदगी में। अपना करियर छोड़कर ये घर के लफड़े संभालते रहो, यहां जाओ वहां जाओ, भागते रहो बस। इस घर में अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा मेरा। जितनी जल्दी हो सके मुझे शहर निकल जाना चाहिए, लेकिन बिट्टू को इस तरह अकेले छोड़कर जा भी तो नहीं सकता मैं। क्या लिखा है और क्या नहीं, ये तुमको सुगंधा बाद में बता देगी, हमको बहुत लेट हो रहा है। चलो अंगूठा लगाओ। गए नहीं अभी तक, यहाँ क्या कर रहे हो इतनी देर से? जा रहा हूँ भैया। दोस्त हमें जरा सुई धागा दे दो ना, हमारी शर्ट का बटन टूट गया है। अरे इसको काहे परेशान कर रहे हैं, अरे दूसरा शर्ट पहन लीजिए ना। आपको देरी हो रहा है ना, बटन बाद में लग जाएगा, इनको अभी काम है। भाभी दूसरे शर्ट पर प्रेस नहीं हुआ है, और फिर जल्दी जाना है इसीलिए तो कह रहे हैं, ये जब से यहाँ खड़ी है इतने में तो बटन लग गया होता। अरे पर ये को काम है इसलिए तो यहाँ रोके हैं हम। यहाँ पर काम है मतलब? अरे काहे, हमरे कमरे में कोई काम नहीं हो सकता कहीं को? लेकिन भाभी बटन लगाने में 2 मिनट भी नहीं लगे, उसके बाद जो भी काम होगा करवा लीजिए। चलो दोस्त। यहाँ पर का खड़ी हो, जाकर देखो पीछे, बिट्टो को जय को बोलना दे। अरे लाइए इस शर्ट हमको दे दीजिए, हम लगा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। दोस्त तुम अपना आप इतना क्यों गिरा रही? तुम इस घर की बहू हो, कोई नौकर नहीं। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, जब तुम भाभी के कमरे में थी तो भैया और भाभी तुम्हें ऐसा कौन सा काम करने के लिए कह रहे हैं? बहुत परेशान लग रहे थे दोनों, हमें ऐसा लगा कि हम जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने बात को बदल दिया। हे प्रभु, अगर ये लड़की अंगूठा लगाने वाला बात बता दी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बोलो दोस्त, ऐसा कौन सा काम करने के लिए कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि पहले हमारी बात का जवाब दो। भाभी जी बुला रही हैं, हम आपको बाद में बताएंगे, अभी जाने दीजिए ना, भाभी नाराज हो जाएंगी। आखिर भैया और भाभी के दिमाग में चल क्या रहा है? जरूर कोई ना कोई बात है। ये निशान तो स्टैम्प पैड के इंक का निशान,
लेकिन ये बिट्टो के अंगूठे पर कैसे आया? आपको देरी हो रहा है ना? पर काटो ना, काटो। कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ काम करने जाती हो वहीं रह जाती हो। चलो आओ अंगूठा लगाओ। जायदाद हड़पने का बहुत अच्छा प्लान बनाया था आप लोगों ने। आप लोगों ने सोचा होगा कि ये बिचारी तो पढ़ी लिखी है नहीं, बस एक अंगूठा लगवाएंगे और कहानी खत्म। फिर सारी जमीन आपके नाम पर और ये बेचारी फिर से सड़क। यही सोचा था ना आप लोगों ने? हाँ, हम लोग आप लोगों को इस घर का सदस्य समझते थे, लेकिन आप लोग तो आस्तीन के साफ निकले। कुछ गलत नहीं कर रहे थे हम। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, तो उंगली टेढ़ा ही करना पड़ता है। उंगली कुछ साधा ही टेढ़ी कर दिया आपने, और इसी का अंजाम उंगली टूट कर आप ही के हाथ में गिरी। बहुत जबान चला रहे हैं आप। बड़े भाई का लियाज नहीं है, लियाज करेंगे भी काहे? हम का समझ नहीं रहे कि बिट्टो से आपका हमदर्दी किस चक्कर में है? आज की दुनिया में तो कोई भी किसी का नहीं भाई। ये घर में रहना है तो इसे तो करना ही पड़ेगा। अपनी दलील देना बंद कीजिए। आपसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। पैसों के लालच में इंसान कितना गिर सकता है, ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। आपको जो समझना है आप समझते रहिए, लेकिन हम अपना फैसला कर चुके हैं। बिट्टो अब इस घर में आप लोगों के साथ एक पल भी नहीं रुकेगी। माँ जी से अपने साथ शहर लेकर जा रहे हैं, नहीं तो आप लोग इसे कहीं का नहीं छोड़ोगे। बहुत बढ़िया फैसला किया है आप। अरे पहले ये तो बताइए कि कौन से रिश्ते से लेकर जाएंगे आप इसको शहर? अब हमको समझ में आ रहा कि गांव वाले सही कहते थे, जायदाद के लालच में तो आप है ही, और जो कदम आप उठाने जा रहे हैं ना, उससे आप ही को लालचन लगेगा। जमीन जायदाद का लालच है तो कहे क्यों नहीं देते? हाँ बस कुछ मत बोलिएगा। रिश्ते की बहुत परवाह है ना आपको? अगर बिट्टो की इज्जत के लिए इस रिश्ते को नाम देना जरूरी है तो ठीक है, मैं इसके साथ शादी करने का अधिकार करने का अगर बिट्टो की जिंदगी बचाने का यही एक रास्ता है तो मैं इससे शादी करने को तैयार हूं। फिर तो आपके दिमाग में यह सवाल नहीं आएगा ना कि आखिर बिट्टो का और मेरा क्या रिश्ता है। बोलो दोस्त, क्या तुम हमारे इस रिश्ते को यह नाम देना चाहोगे? कैसे दिया? तुमने हिम्मत कैसे हुई? तुमने कैसे सोच लिया कि हम तुमसे शादी करेंगे? हम तुम्हारी भाभी और हमेशा भाभी रहेंगे। तुम्हें शर्म भी नहीं आई ऐसा सोचते हुए? तुमने सोच भी कैसे लिया तुम्हारे भैया की यादों को अपने दिल से निकालकर हम अपने दिल में किसी और को जगह दे सकते हैं? लेकिन दोस्त मैं तो बस मैं तो क्या हा? मदद करना चाहते हो हमरी? क्यों, किसने कहा है हमरी मदद करने को? तुम्हें क्या लगता है पूरी दुनिया हम पर मुसीबत बनी हुई है? नहीं, तुम हम पर मुसीबत बने हुए हो। तुम
अबरी मदद की वजह से हमारे चरित्र पर दाग लगा है। अब उसके ऊपर एक और कलंक मत लगाओ। जिसने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था वो तो छोड़कर चले गए। किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, हम अकेले अपनी जिंदगी काट सकते हैं। भगवान के लिए हमें छोड़ दो। लेकिन दोस्त ये लोग, आज के बाद हमसे कोई बात मत करना। समझ जाना कि हमरा और तुमरा कोई रिश्ता नहीं है। अरे सही तो कह रही है बेचारी। अरे आपकी बातों से तो ऐसे ही लग रहा है कि आपने जीना हराम कर रखा है बेचारी। मैं यहाँ आपकी बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा। बकवास तो सुनना ही पड़ेगा देवर जी। जब इतना बकवास हम देख सकते हैं तो आप सुन नहीं सकते हैं का? अरे ये तो छोट जात की लड़की है, इसको क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप ही का चक्कर में इतना गिर गए हैं कि अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि जो चीज एक बार इस घर में हुई है हम उसको वापस से होने देंगे? आप क्या होने देंगे और क्या नहीं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात तो तय है, आप जो बिट्टो की मजबूरी का फायदा उठाकर इस जायदाद को हड़पने की कोशिश कर रहे हो ना, इस बुरे मकसद में मैं आप लोगों को सफल नहीं होने दूंगा। दोस्त हमारे बीच कोई रिश्ता रहे या ना रहे, बने या ना बने, चाहे तुम्हें मुझसे कितनी भी शिकायतें ही क्यों ना हो, लेकिन दोस्त तुम किसी भी कागज पर अपना अंगूठा मत लगाना। बस इतना करना मेरे लिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें जायदाद या धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई लालच है, लेकिन बस इतना समझना दोस्त कि अगर ये लोग इस गैरकानूनी तरीके से कुछ करने में सफल हो गए ना, ये ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे ठाकुर परिवार को चौपट करके रख देंगे। और मैं भी देखता कि आप लोग अपने इस मकसद में कैसे कामयाब होते हो। अरे और का दिन दिखाओगी तुम इस घर को? पति अभी मरा नहीं है और अब ये दूसरी शादी रचाओगी तुम? ये सब जो अधर्म शुरू हुआ है ना इस घर में, उस सब की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम इससे पहले कि हमारी वजह से इस घर पर कोई मुसीबत आए हम अपने आप को खत्म कर देंगे। खत्म कर लेंगे अपने आप को। अच्छा दोस्त माना वो हमसे हमदर्दी जताकर आपकी जगह बनाने की बात कर रहे थे, जिसे अपना परिवार माना वो हमें परिवार का हिस्सा नहीं माना थे, जिन्हें बड़ों की तरह आदर दिया सम्मान दिया हमें धोखा देने पर तुले हैं। हम तो हमेशा कहते थे कि हम आपकी पत्नी हैं, जिंदगी भर हमारा साथ निभाएंगे, फिर काहे छोड़ कर गए हमें अकेले। हमें ना ही रहना है गंदी दुनिया में, ना ही जीना हमें।
कुछ तो जवाब दीजिए, वरना हमें अपने पास बुला लीजिए। ना ही रहना है हमें दुनिया में, शादी ब्याह का बात कहां से निकला ही आपको पता चले ना चले, लेकिन हमको सब समझ में आ गया है। जिसको हम अनाड़ी समझे थे ना, वो ही सबसे बड़ा खिलाड़ी निकला है। अरे उसको जैसे ही पता चला है ना कि हम लोग जायदाद का कागज पर बिट्टो का अंगूठा लगवाने वाले हैं, वैसे ही जायदाद हड़पने के लिए बिट्टो के साथ शादी का स्वांग रचा लिया है। कुछ सीखी अपने भाई से, चार कदम ही आगे है वो आपसे। तो तुम क्या चाहते हो? जय ने शादी का बात किया है तो हम उसे ब्याह कर लें। हे प्रभु, पर कैसे समझाएं हम इस आदमी को? चुप, ये तंचु। वो पता है कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और काम कैसे होगा हमसे। हमें कुछ समझाने का जरूरत नहीं है, और जय हमसे का खेल खेलेगा। वो हमारे काम में अड़ंगा डाले उससे पहले ही हम उसको हटा देंगे रास्ते से। अरे कैसे होगा? वकील बाबू जो कागजात लाए थे वो तो तेज जब्बर जी फोड़ के फेंक दिए। वो कागज फट गया तो कामरा काम रुक जाएगा। कोरे स्टैम्प पेपर पे बिट्टो का अंगूठा का निशान लेकर जो मन में आएगा वो लिख देंगे इसमें। बस तुम एक काम करो, बिट्टो को यहां लेकर आओ, और ना आए तो घसीट कर लेकर आओ। कैसे भी करके इस स्टैंप पेपर पे उसका अंगूठे का निशान चाहिए, इससे पहले कि जय हमारे काम में अड़ंगा डाले तो अपना काम कर लूंगा। अरे वाह, ये हुआ ना बात। देखिए कैसा हम उसका बाल पकड़ के खींच के आपके सामने लेके आते हैं। हमरे जीते जी हम ही ना ही होने देंगे। चल, चल हमरे साथ चल, छोड़ दीजिए, चल, अरे चल यार, भाभी छोड़िए, अरे चुपचाप से चल हमरे साथ, छोड़िए हमको, चल, भाभी, आ, कुछ नहीं कर रहे और ना ही कुछ करना चाहते। हम लोग तो तुमसे छुटकारा पाना चाहते, लेकिन जब तक जायदाद तुम्हारे नाम पर है तब तक तो छुटकारा भी नहीं मिल सकता ना हम लोग को। इसीलिए सारा झमेला खत्म करने का अब एक ही रास्ता है, प्यार से इस कागज पर अपना अंगूठा का निशान लगाओ और सीधा घर के बाहर। दोस्त, दोस्त,
तुम किसी भी कागज पर अपना अंगूठा मत लगाओ। अगर ये लोग इस गैर कानूनी तरीके से कुछ करने में सफल हो गए तो ये ना ही सिर्फ तुम्हें बल्कि पूरे ठाकुर परिवार को चौपड़। अरे सोच कर रही हो, इस पेपर पे अपने अंगूठे का निशान लगाओ। हम किसी भी कागज पे अंगूठा नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। लगता है जय बाबू का बात बहुत दिल से लगा ली हो तुम। पहले तो आ नहीं रही थी, अब अंगूठा नहीं लगा रही हो। देख लिया आपके छोटे भाई ने कितना हिम्मत दिला दिया है इसको। अरे हम कह रहे हैं ना, इस पेपर पे अंगूठा का निशान लगाओ। हम नहीं लगाएंगे किसी कागज पे अंगूठा। जब ये जायदाद हमरी नहीं है तो ये जायदाद किसी को देने का हक भी हमरा नहीं है। तुम्हारे नहीं है पर तुम्हारे नाम पर तो है ना। चुपचाप से अंगूठा लगाओ और दफा हो जाओ। भाभी, ये धन दौलत से हमें कुछ लेना देना भी नहीं है, पर ये धन दौलत ही परिवार की है और ये परिवार के मुखिया का इस पर अधिकार है। वो अधिकार हम किसी और के नाम पर नहीं कर सकते भाभी। इतना अकड़ आ गया है तुम में। लेकिन हमें भी पता है कि हमें अपनी बात कैसे मनवाना चाहिए। अंगूठा लगाओ बिट्टू। हम नहीं करेंगे, ये बुआ जी का धन दौलत है, हम किसी कागज पे अंगूठा नहीं लगाएंगे। सच ही कहा कि लातों का भूत बातों से नहीं मर। चुपचाप से अंगूठा लगाई दो वरना जान से जाओगी। मार मार कर जब खाल उधेड़ दिया जाएगा ना इसका, तब ये अंगूठा का निशान।